आजकल जिसको देखो वो किसी ना किसी चीज की दवाइयां खा रहा होता है, कोई थायराइड की, कोई बीपी की, कोई शुगर की, कोई हाइपरटेंशन की, न जाने किस किस चीज की। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी चाहे खाना खाना भूल जाओ लेकिन दवाई नहीं आप भूल सकते। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और इसके कई सारे कारण हैं। कारणों के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसको अपना लिया तो धीरे धीरे करके ये दवाइयां छूट सकती हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं, मसल्स तो बनते हैं लेकिन बेली फैट कम नहीं होता, मसल्स तो बनते हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी अगर आपको ये चीज पसंद आए और इसको अपना लें तो आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करते हैं, तो एक सेट सबका नियम होता है कि सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं, साफ सुथरे प्रेस किए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। ये हमारा रूटीन है खुद को साफ रखने का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप, ये तो बाहरी सुंदरता, बाहरी सफाई होगी, आप अंदर से अपने आप को साफ करने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। और वो जो जवाब नहीं है वही बीमारियों का कारण है। तो आज बात करेंगे कि अंदर की सफाई कैसे करें, अंदर जो चीज हमें दिख नहीं रही है उसको साफ कैसे रखें। क्योंकि अगर एक बार को आप एक दिन नहीं नहाए तो इतना ज्यादा सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, या एक बार आपने धोए हुए कपड़े नहीं पहने, आज के कपड़े कल रिपीट कर लिए तो सेहत पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अंदर की सफाई नहीं की तो धीरे धीरे करके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो पड़ रहा है लोगों पे, जिसके लिए लोगों को दवाइयां खानी पड़ रही है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का, थायराइड का, हार्ट का, अंदर के जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर का प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर इंटरनल क्लींजिंग जो है वो आपकी सही से नहीं हुई तो। तो क्या है ये इंटरनल क्लींजिंग? इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी आप जानते हैं, नर्व्स एंड वेन्स जो होती हैं, जो हमारा जीवन का आधार है, जिसमें से बहता हुआ खून हमारे पूरे शरीर में जाता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी देता है, हमारी स्किन को ग्लोई रखता है, हमारे बालों को ठीक रखता है और बहुत सारे काम इसी से होते हैं, बहुत सारे नहीं सारे ही काम इसी से होते हैं। तो इन नाड़ी का शोधन करना, सिर्फ 5 मिनट अगर आप अपने आप को नाड़ी शोधन के लिए दे देते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज आप में दिन और रात का फर्क आपको नजर आएगा। ये इतनी अच्छी क्लींजिंग है, इतनी अच्छी ये सफाई है जो आपको अंदर से साफ सुथरा करके, शुद्ध करके और आपकी हेल्थ को निखारना शुरू करेगी। आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और मोटापा अपने आप भागना शुरू हो जाएगा, है ना, कितनी अच्छी बात। तो बात करेंगे ये नाड़ी शोधन करना कैसे है। हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को शुद्ध रखना है। और नाड़ियों का इम्पोर्टेंस आपने वैसे नहीं तो पुराने जमाने के वैद्य वगैरह आपने पिक्चर में जरूर देखे होंगे ना, जो ऐसे नर्व्स पकड़ते हैं और ये बता देते हैं क्या बीमारी है, इवन ये भी बता देते हैं कि ये लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, नाड़ी को पकड़ के, नाड़ी की गति से देख के। तो नाड़ी का बहुत महत्व है। लेकिन इसके शोधन के बारे में, इस क्रिया को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो के एंड में अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको फायदेमंद लगता है, लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं नाड़ी शोधन की। हमारी नाड़ियों का हमारे शरीर पर इतना असर पड़ता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा आप या शांत रहेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी या नहीं करेगी, बाल अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये सारी की सारी चीजें इन नाड़ियों पर ही निर्भर होती हैं। ये नाड़ियां ही हैं जो इन सब में एक जान डालती हैं और उस जान की वजह से हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो ये नाड़ियां कहां से और कैसे शुद्ध होंगी, तो देखिए हम अपने नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में है ईडा नाड़ी और आपके राइट नॉस्ट्रिल में है पिंगला नाड़ी और इन दोनों के बीच में सेंटर में है सुषुम्ना नाड़ी। अगर ये तीनों नाड़ियां शुद्ध हो जाएं, साफ हो जाएं, बैलेंस में हो जाएं, तो आपकी सेहत बल्ले बल्ले बहुत अच्छी होने वाली है। कैसे इनको ठीक करेंगे? ये जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जो ईडा नाड़ी है,
ये यहाँ से चलती है और ऊपर जाती है, ऐसे ही आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो यहाँ से चलती है ऊपर जाती है, और सेंटर में जो सुषुम्ना नाड़ी है ये यहाँ से होते हुए आपके सेंटर, जो तीसरी आंख जिसको कहते हैं सेंटर पॉइंट है, यहाँ से होते हुए आपके ब्रेन से होते हुए आपके गर्दन के पीछे से होते हुए स्पाइन से होते हुए नीचे तक जाती है। तो हमने इन तीनों नाड़ियों को शुद्ध करना है। ये तीनों की तीनों नाड़ियां आपके ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन आपका जो है वो सेंटर पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट है, जिससे आपका पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। तो जब आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होगा, मतलब ब्रेन तो हमेशा एक्टिवेट रहता है, ब्रेन तो काम करता ही रहता है, लेकिन जब उसमें ये नाड़ी शोधन के बाद ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड फ्लो जो प्योरिटी के साथ जाएगा, तो आपका माइंड की क्लैरिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और भी आपके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ, जो आपकी इडा नाड़ी होती है ना, ये इसके ऊपर मून इफेक्ट ज्यादा होता है, और जो पिंगड़ा नाड़ी होती है इस पर सन इफेक्ट होता है। तो जब आप ध्यान से देखना, जब आप सो रहे होंगे या जब आप खुश होंगे, जब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, तो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल काम कर रही होगी, यहां से आप अच्छे से सांस ले रहे होंगे, और जब आपको स्ट्रेस होगा, गुस्सा होगा, आप दुखी होंगे, तो आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है वो काम कर रही होगी। मतलब इस ये अगर ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो आप दुखी रहेंगे, ये अगर ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो आप खुश रहेंगे, लेकिन कितना खुश रहेंगे, हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहेंगे तो ना हम खुश रह पाएंगे ना हम हेल्दी रह पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि बैलेंस में करना कैसे। ऐसा नहीं है कि हमारी पिंगड़ा नाड़ी जो है वो सिर्फ हमें स्ट्रेस ही देती है या सिर्फ हमें दुखी करती है। हम जब जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जब हमारी सांस तेज चलती है, तब भी हमारी पिंगड़ा नाड़ी ही ज्यादा एक्टिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सोते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी इडा नाड़ी डोमिनेंट होती है, जब हम भागते दौड़ते हैं या दुखी होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी पिंगड़ा नाड़ी डोमिनेट होती है। अब इनको चलिए करते हैं बैलेंस में। बैलेंस में करने के लिए आपने क्या करना है, ये दो उंगली आपने एक साथ जोड़ी, ये दो एक साथ जोड़ी, और अंगूठा आपका अलग है। आपने इन दो उंगलियों को अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर यहां रखना है, जो आपका तीसरी आंख या चक्र बिंदु जिसको कहते हैं, यहां पर आपने इन उंगलियों को रखना है, हल्का सा प्रेस करके, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करना है। अंगूठे को आप रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पे और ये उंगलियों को रखेंगे लेफ्ट पे, अगर आप राइट हैंड से कर रहे हैं तो। अब ये हमारा तीनों पोजिशन में आ गया, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना। ये उंगलियों को हटाया, लंबी सांस ली, फिर ये उंगलियां आ गई इस नाक पर, और ये अंगूठा हमने छोड़ दिया, और जो सांस हमने लंबी ली है उसको धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। अब इस नाक से सांस लेंगे, लंबी सांस पूरा पेट भर के और चेस्ट तक भर के, ये नाक बंद, इसको खोला, धीरे धीरे आपने इसको बाहर निकालना है सांस को। तो इस तरीके से अगर हम 5 मिनट लगातार करते हैं, यहां पर हमने प्रेशर पॉइंट पर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को प्रेस कर लिया है, हमने अपनी इडा नाड़ी को इन उंगलियों से बंद किया, खोला और सांस लिया इस नोस्ट्रिल से, पिंगड़ा नाड़ी को हमने इससे खोला, बंद किया और सांस लिया इस नोस्ट्रिल से, और हमने तीनों चीज को एक्टिवेट कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपने सीधे हाथ से करना है, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट से करेंगे तो आपका अंगूठा लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। और इस तरीके से 5 मिनट करने के बाद आपने रिलैक्स करना है 2 मिनट के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये डायरेक्ट आपके राइट ब्रेन से जुड़ता है, और जो आपका राइट नोस्ट्रिल है ये डायरेक्ट लेफ्ट ब्रेन से जुड़ता है। तो आपने जो ऑक्सीजन अंदर लिया है, जो पेट भर के और चेस्ट तक भर के ऑक्सीजन अंदर लिया है, उसने उस ऑक्सीजन के फ्लो को तेज किया है और आपके माइंड राइट एंड लेफ्ट दोनों के पास पहुंचा दिया है। सुषुम्ना नाड़ी बीच में है और ये तीनों नाड़ी मिलके नीचे आपकी स्पाइन से होते हुए नीचे तक जाके उस प्योर और उस अच्छी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगी, और आपका देखते ही देखते आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से इड़ा नाड़ी राइट ब्रेन तक पहुंची, तो यहां आपका पैरासिंपेथिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ, और आपकी बॉडी में रेस्टिंग और हीलिंग का प्रोसेस तेज होगा।
जब आप रेस्टिंग में की पोजीशन में जाएंगे, जब आप सोएंगे, तो उस टाइम पर इस नाड़ी का इफेक्ट वहां भी रहेगा और आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है, वेयर एंड टियर हुआ था दिन भर में, वो प्रोसेस तेजी से होगा और बहुत अच्छे से होगा। और राइट नॉस्ट्रल से जो पिंगड़ा नाड़ी गई है वो आपके लेफ्ट ब्रेन में तक पहुंची है, और लेफ्ट ब्रेन तक जाने से क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है, एंगर है, वो मैनेजमेंट होगा, वो शांत होगा, आपकी बॉडी काम होगी, आपकी बॉडी में जो एंग्जाइटी है या कोई ऐसे ऐसी जो चीजें हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपकी एक्टिविटी को कम कर देती हैं, जो आपको दुखी कर सकती हैं, उनको ये शांत करती है। यानी कि जब पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक दोनों नर्व्स अच्छे से, दोनों सिस्टम अच्छे से काम करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है ये, नाड़ी शोधन से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, आप अपने आप को दवाइयां खाने से बचा सकते हैं और आप अपने आप को खुश रख सकते हैं इस नाड़ी शोधन से। है ना आसान सा तरीका, तो आज से ही शुरू कर दे। अच्छा एक और इसकी मजे की बात क्या है ना कि इसका कोई टाइम नहीं है कि आपने किस टाइम करना है। ऑफिस जाने वाले, भाग दौड़ करने वाले बोलेंगे हमारे पास तो सुबह टाइम नहीं होता, तो भाई आप शाम को कर लो, आप दिन में कर लो, आप लंच टाइम में जब बैठे हो तब कर लो, लंच करने के बाद कर लो, आप शाम को कर लो, सोने से पहले करो, जब आपको टाइम मिलता है तब कर लो। सिर्फ 5 मिनट खुद को दे दो, नाड़ी शोधन कर लो और अपने आप को बहुत हेल्दी बना लो। यही तो हमारा मकसद है। और हेल्दी रहते हुए मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।